हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में गेस्ट टीचरों के बारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने गेस्ट टीचरों का जो ट्रांसफ़र ड्राइव है वो दोबारा से चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए जो पोर्टल है वो दोबारा खुलेगा और अध्यापक ट्रांसफ़र के लिए दोबारा से आवेदन कर सकेंगे। कल दोस्तों गेस्ट टीचरों ने करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया था, क्योंकि गेस्ट टीचरों को काफ़ी दूर भेज दिया गया था इस ट्रांसफ़र ड्राइव में, जिसमें बहुत सारे शिक्षकों को 300-350 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफ़र ड्राइव उनका कर दिया था। अब सरकार ने ये कहा जल्दी से उनका जो ड्राइव है वो दोबारा खुलेगा, जिसमें अध्यापक जो है अपने गृह ज़िले में अप्लाई कर सकेंगे और उनको नज़दीक जो स्टेशन है वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गेस्ट यूनियन से वार्ता करने के बाद ये आश्वासन दिया गेस्ट टीचरों को कि उनका जो ट्रांसफ़र है वो दोबारा किया जाएगा और जल्दी ही इसके बारे में जो पोर्टल है वो खोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गेस्ट टीचरों ने ये भी कहा, उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि उनको नियमित किया जाए, जिसके लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कल जो करनाल में प्रदर्शन किया था गेस्ट टीचरों ने, वो ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर था कि उनको जो दूर भेजा गया है उनकी जो बदली है वो नज़दीकी स्थान पर की जाए, गृह ज़िलों में की जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।